स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कि सर्फ से क्या तात्पर्य है। सर्फ तो ये वो वाला सर्फ नहीं है, डिटर्जेंट वाला। इसका क्या अर्थ होता है ये इसे समझते हैं पहले बेहतर तरीके से। सर्फ, ये जो सर्फ शब्द है ये अंग्रेजी की क्रिया टू सर्व, यानी कि अंग्रेजी में एक क्रिया होता है जिसे भर्व लिख सकते हैं हम लोग अंग्रेजी में। तो भर्व है, इसका जो भर्व फॉर्म है टू सर्व, टी ओ टू एस ई आर वी ई सर्व, इससे बना। इसका हिंदी में अगर देखें, ये जो टू सर्व लिखा है अगर आप इसको हिंदी कीजिएगा तो इसका शुद्ध रूप में हो जाएगा कृषि दास। क्या हो जाएगा? कृषि दास। यानी यहाँ पर जो सर्फ लिखा है, ये जो सर्फ है ये टू सर्व से बना है। सर्व का मतलब होता है सेवा करना, किसी को भी, यानी कि सेवा देना। तो इसी प्रकार से ये जो सर्फ शब्द है इसका मतलब क्या हो जाता है? कृषि दास होता है, याद रखिएगा। ओके, तो ये हो गया सर्फ। और सर्फ जो है शब्द है वो अंग्रेजी के टू सर्व से मिलकर बना है और इसका सही अर्थ होता है कृषि दास। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सर्फ का सही अर्थ होता है कृषि दास, इसे हिंदी में हम लोग कृषि दास कहेंगे। तो यह था आपके सवाल का जवाब कि सर्फ आखिरकार है क्या और कृषि दास क्या होता है। कृषि मतलब होता है, जानवे करते हैं, एग्रीकल्चर, खेती करना। और उस समय भी कुछ ऐसे लोग होते थे, किसान होते थे, जिन्हें फ्री में अपने राजा के लिए, अपने सामंत के लिए, अपने लॉर्ड के लिए या अपने मालिक के लिए फ्री में काम करना पड़ता था। और ऐसे ही लोगों को इतिहास में कृषि दास कहा जाता है और यूरोपीय इतिहास में सर्फ कहते हैं। तो यह था आपके सवाल का जवाब। और ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट को और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।